ट्रिपल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। तीन, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, याद रखो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को। हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो याद रखो 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोटा में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ जब सब मजलिस करती है और कहती है तो लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई हम कहां मिले हुए हैं, तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। इसलिए मैं बड़े फखर से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन अवैसी का घर है। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। तो जी पूरा घर ही दे दीजिए नीतीश को, बचा क्या है अब। घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह और 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा, आप जिसको बोलेंगे मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा, मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर भाई, 15 साल, और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, 32 साल हो गए, माफ करना बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है, 32 साल हो गए। 32 साल में तो दो दो नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। आपको के कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में, तुम में दम है तो बताओ, बताओ। और हद तो यह हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते, वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले, होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया हजरत, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। टुटको और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुड़ भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले या हबीबी, इतना उसको गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था, भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी, आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है,
अमर मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है।